एंटीबायोटिक के सीरीज में हमने कई अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक के बारे में बात किया। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करता है या फिर मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करता है, या आपको ब्लड इन्फेक्शन जिसको हम लोग बैक्टेरेमिया भी बोलते हैं उसके ऊपर भी ये अच्छा खासा इफेक्टिव होता है। तो आखिर कौन सा एंटीबायोटिक है, कैसे काम करता है, क्या उपयोग है, क्या फार्माकोकाइनेटिक है, प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं कि साइड इफेक्ट क्या है या फिर ड्रग इंडक्शन क्या है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो हमने देखना है। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइयां में स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग एंटीबायोटिक है उसका नाम है डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन साइक्लिक लिपोपेप्टाइड क्लास से बिलोंग करता है। ये जैसा मैंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करें तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, जाके बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन बाइंड करता है कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में, जिससे क्या होता है कि उसके सेल मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है, जिसके वजह से उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है। रप्चर करने की वजह से बैक्टीरिया का जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को काम करने के लिए, उसके सेल को जिंदा रखने के लिए, बाकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए नहीं बन पाता, आरएनए नहीं बन पाता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसका फार्माकोकाइनेटिक कैसा है तो इसको हम लोग को इंजेक्शन के थ्रू लेना होता है इंट्रावेनसली वेन में यानी ब्लड में, क्योंकि इसका बायोलिटी बहुत ख़राब होता है। जब भी आप इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, इसका एब्जॉर्प्शन ठीक से आप बोल सकते हो ये ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है टिश्यू के अंदर में, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकता है। उसके अलावा इसका जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ होता है वो 8 से 9 घंटे का होता है और बॉडी से ये यूरिन के माध्यम से अनचेंज्ड फॉर्म में, अनमेटाबलाइज्ड फॉर्म में निकल जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग सबसे पहले स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो या स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से हो, ठीक है, या फिर वैसे बैक्टीरिया की वजह से जो अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्ट हो चुके हैं, वहाँ पे भी डेप्टोमाइसिन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको आते हैं सेलुलाइटिस यानी वैसे इन्फेक्शन जो सब क्यूटेनियस या क्यूटेनियस लेयर पे होते हैं, जिसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, लाल कलर का स्वेलिंग होता है जो शायद छूने पर दर्द भी कर सके, ठीक है, ये थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन होगा तभी यूज़ करेंगे डेप्टोमाइसिन को, ठीक है। उसके अलावा एब्सेसेस और वुंडिंग यानी घाव में जो इन्फेक्शन हो जाता है या घाव सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड जो इसका यूज़ है वो एंडोकार्डाइटिस है। एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारे हार्ट के लाइनिंग है और उसके वाल्व हैं उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे डेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं। तीसरा जो इसका यूज़ है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया या ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, हार्ट इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे बोल सकते हो ब्रेन इन्फेक्शन नहीं सॉरी, ठीक है, वो मैं गलती से निकल गया। इसके अलावा इसको हम लोग एंट्रोकोका इन्फेक्शन जो एंट्रोकोकस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है वहाँ पे भी इसको उपयोग किया जा सकता है, और ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जिसको बैक्टेरीमिया भी बोलते हैं जो मेनली स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है उसमें भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मेनली इसका वो सब जगह पर उपयोग होता है जहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काम कर रहा हो या फिर बाकी एंटीबायोटिक्स जैसे कि वेंकोमाइसिन हो गया, इस तरह के एंटीबायोटिक्स रेजिस्ट हो चुके हो बैक्टीरिया के लिए, तो वहाँ पे डेप्टोमाइसिन को एज अ रिजर्वर यूज़ करते हैं। इसको सीवियर इन्फेक्शन में ही यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ नहीं किया सकता है। उसके अलावा ये बहुत महंगा एंटीबायोटिक आता है। अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे बाकी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कॉमनली होते हैं वो तो इसमें पाया जाता है, उसके अलावा कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, उसके अलावा जहाँ पे इंजेक्शन होता है वहाँ पे आपको दर्द होना, एलर्जी रिएक्शन होना, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। जो अनकॉमन साइड इफेक्ट है उसमें देखने को मिलता है ब्लड डिसऑर्डर जिसमें ब्लड काउंट्स कम हो जाना, जो किडनी का काम करने की क्षमता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन जहाँ साइड इंजेक्शन पड़ा है वो देखने को मिलना, और लीवर एंजाइम्स जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी दिखना, ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स को देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग ड्रग इंटरेक्शन की बात करें किस किस दवाओं से ये इंटरेक्ट करता है, तो कुछ दवाएं हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, जैसे आपको वारफरिन हो गया जिसकी वजह से ब्लड लॉस देखने को मिल जाता है। इंटरेक्ट करने से होता ये है या तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दवाइयों की बढ़ जाती है या कम हो जाती है, यानी टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, जहर बन जाता है दवाई, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब ये है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कुछ अलग रिजल्ट दिखाता है, जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं दिखाता, ठीक। तो वारफरिन हो गया,
दूसरा अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जैसे अमीकासीन, जेंटामाइसिन, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। एनएसएआईडीज यानी कि आइबुप्रोफेन हो गया या फिर एसिक्लोफेनिक हो गया, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर जाता है। इसके अलावा ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। स्टेटिन मेडिकेशन जैसे एट्रोबास्टेटिन, सोबास्टेटिन, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर जाता है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करता है, इनको आपको देख के लेना चाहिए अगर आप इसको ले रहे हो या किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो देख के दो कि वो ये सब दवाइयाँ खा रहा है या नहीं खा रहा। अगर खा रहा है तो उसमें बीच में गैप्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो इंटरेक्ट ना कर सके। अगर हम लोग प्रेगनेंसी की बात करें या ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, तो USFDA इसको कैटेगरी बी क्लास में डाल के रखा हुआ है, यानी ऐसा क्लास जिसमें किसी भी एनिमल स्टडीज़ में या ह्यूमन स्टडीज़ में किसी प्रकार का अब तक वैसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हो पाया प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में, जिसके और उतना कोई डेटा अभी तक मिला भी नहीं, उतना ज़्यादा स्टडीज़ हो भी नहीं पाई है, ठीक है। तो इसलिए कैटेगरी बी में है, इसको तभी प्रिस्क्राइब करना चाहिए किसी पेशेंट को जो महिला को जो गर्भ धारण की हुई हो या फिर किसी शिशु को स्तनपान करवा रही हो, तब जब कोई और एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है और मजबूरी में इसको यूज़ करना पड़े, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा, यूट्यूब का वीडियो देख के या किसी और ऐसे नॉर्मल व्यक्ति से दवाई का सलाह लेके दवा नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, उनकी सलाह लेके ही अपने दवा को खाइए। यूट्यूब का वीडियो आपको नॉलेज देने के लिए है, प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।